तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर तीन स्पीकर वाला टॉप के बारे में, जो कि एक टॉप में तीन स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पर आप डीजे सेटअप आप देख पा रहे होंगे, जो कि झारखंड का डीजे है। मैं आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ इसमें कितने वाट का एम्पलीफायर है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चार एम्पलीफायर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर कैसे कनेक्शन किया गया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें तीन बेस लगा हुआ है और तीन स्पीकर वाला दो टॉप लगा हुआ है। प्लस यहाँ पर आठ स्पीकर लगे हुए हैं 12 इंच के, और यहाँ पर HF भी लगा हुआ है। यहाँ पर कितने वाट का स्पीकर है, कौन से ब्रांड का स्पीकर है और कनेक्शन कैसे किया गया है, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डिजिटल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। सो गाइस, बात करेंगे पहले यहाँ पर बेस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेस, यहाँ पर तीन बेस लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला बेस है, वो भाई ने बोला कि बीच वाला बेस नहीं चल रहा है, मतलब कि बजाया नहीं गया है। और यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर का यूज किया गया है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा स्पीकर लगाया गया है। सो गाइस, यहाँ पर बेस स्पीकर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर पी ऑडियो का स्पीकर का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1500 वाट का स्पीकर है पी ऑडियो का 18 इंच का, जो कि V2 है, मतलब चैलेंजर सीरीज में जो आता है स्पीकर, वो वाला स्पीकर इसमें लगाया गया है। जो कि इसके लिए एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेंजर का SPB4K यूज किया गया है, जो कि एक बेस एक चैनल में चलाया गया है और एक बेस दूसरे चैनल में चलाया गया है, और जो बीच में एक बेस लगा हुआ है वो बेस बंद है। वही हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीन स्पीकर वाला टॉप। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो टॉप लगा हुआ है, जो कि एक टॉप में तीन स्पीकर का यूज किया गया है। स्पीकर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें स्पीकर लगाया गया है पी ऑडियो का 15 इंच का स्पीकर, जो कि 500 वाट का स्पीकर लगाया गया है, मतलब एक बॉक्स आपका 1500 वाट का बन जाता है। सो गाइस, यहां पर तीन स्पीकर में आपको यहां पर ओम्स मैचिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। सो गाइस, यहां पर आप इस टॉप में 500 वाट का स्पीकर लगाया गया है, जो कि टोटल 6 स्पीकर हो जाते हैं। और यहां पर इसके लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है SPB4K, जो कि स्ट्रेंजर का 4000 वाट का एम्पलीफायर है। पर चैनल इसका 2000 वाट का आउटपुट आपको मिलेगा 2 ओम्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक एक टॉप एक एक चैनल में चलाया गया है, मतलब तीन स्पीकर एक चैनल में और तीन स्पीकर दूसरे चैनल में चलाया गया है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 स्पीकर का यूज किया गया है, जो कि ऊपर में लगा हुआ है सबसे ब्लैक, आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में यहाँ पर 8 स्पीकर यूज किया गया है, जो कि 12 इंच का स्पीकर है। उसमें स्पीकर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्वेटन का स्पीकर यूज किया गया है, जो कि 120 वाट का स्पीकर है उसमें लगा हुआ है, जो कि 12 इंच का है। और उसके लिए एम्पलीफायर का यूज किया गया है BTZ 10000, जो कि आहूजा का एम्पलीफायर है, 1000 वाट का एम्पलीफायर है। इसका पर चैनल आउटपुट मैक्सिमम कंपनी बोलती है 750 वाट, लेकिन आप इसमें ज्यादा लोड भी डाल सकते हैं आहूजा के एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर इसमें चलाया गया है 4 स्पीकर एक चैनल में और 4 स्पीकर दूसरे चैनल में, जो कि 120 वाट का स्पीकर है स्वेटन के तरफ से, और 12 इंच का स्पीकर यूज किया गया है। वही हम देखेंगे तो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 4 HF, जो कि 4 HF के लिए एम्पलीफायर का यूज किया गया है, स्ट्रेंजर का PBT 701, जो कि इसमें आप 4 HF चला सकते हैं। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर इसके लिए कितने केवी का जनरेटर का यूज किया गया है। सो गाइस, सभी को चलाने के लिए यहाँ पर 15 KV का जनरेटर का यूज किया गया, जो कि भाई ने बताया 15 KV का जनरेटर इसमें लगा हुआ है। वही हम बात करेंगे एड्रेस के बारे में, तो गाइस यहाँ पर झारखंड का डीजे है। और साउंड का नेम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डीजे संतोषी माँ डेकोरेटर यहाँ पर लिखा होगा। और बात करेंगे तो यहाँ पर हिरणपुर पड़ता है यहाँ पर एड्रेस, और बॉक्स में भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।